हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के 2009 के प्रश्न पत्र की, और इसमें हम देख रहे हैं मैथमेटिक्स पार्ट टू। पार्ट वन में आपने देखा कि हमने किस ढंग से सवाल आपको समझाए थे, और वो वीडियो आपको बहुत पसंद आया, तो हमने सेकेंड पार्ट भी इसका बना दिया। जो बचे हुए सवाल थे इसमें, आई थिंक इस समय हमने 58 सवाल तक नंबर तक कर लिए थे। 59 नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पे है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल। देखिए क्या कहता है सवाल। 40 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा? कुछ इस ढंग से आप देखिए कि फिगर बनी हुई है। जो उसका ओरिजिनल आयताकार क्षेत्र था वो ये है। इसे हम कह सकते हैं कि ये ए बी सी डी है, ए बी सी डी। उसके बाद 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता इधर को, 2.5 मीटर चौड़ा इधर को, 2.5 मीटर इधर को, 2.5 मीटर इधर को। तो इसकी जो नई लंबाई और चौड़ाई हो गई वो हो गई, चौड़ाई में 5 मीटर जोड़ देंगे तो 35 मीटर, और लंबाई में 5 मीटर जोड़ देंगे 45 मीटर। तो नया क्षेत्रफल इसका क्या हो जाएगा? नया क्षेत्रफल हो गया इसका 45 × 35 का मतलब ये हो गया 45, 35 × 175 का 5 हज़ार 17, 35 × 140 177, 1575 स्क्वायर मीटर। ये हो गया नया क्षेत्रफल। और पुराना क्षेत्रफल कितना था? पुराना क्षेत्रफल ये था 4 × 12, 40 × 30, 1200। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? इसका गली का क्षेत्रफल, ये जो चारों तरफ बाड़ वो लगवाई है, रास्ता बनवाया है चारों तरफ, इस रास्ते का क्षेत्रफल हम लिख देते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन दोनों क्षेत्रफल को नए में से पुराना माइनस कर देंगे, यानी कि 1575 − 1200 कितना हो गया? ये 375, जस्ट मोमेंट, 375 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल इस रास्ते रास्ते का हुआ। इसी रास्ते में हमें घास लगवानी है, जिसकी कीमत है 3.5 रुपये पर स्क्वायर फीट, ये दी हुई है कीमत। तो खर्च कैसे निकालेंगे रास्ते रास्ते में घास लगवाने का? ये खर्च निकालेंगे हम 3.5 रुपये को गुणा कर देंगे 375 से, तो आ जाएगा 35 × 175 का 5 हज़ार 17 फिर 17 × 35 = 245, और 17 × 245 = 262 का 2 हज़ार 26, और 35 × 75 = 105, 105 + 26 = 131, 1312.5, यानी कि 1312.50 रुपये का खर्च बनेगा टोटल। और ये कहाँ पे है हमारे पास ऑप्शन में? ये ऑप्शन ए में है। तो इस ढंग से ये आंसर आ गया। थोड़ा लंबा हमको सबको समझाना पड़ा, क्योंकि आपको हम ये समझते हैं कि हमें तो बहुत से बच्चे मैथ से डरते हैं, इसलिए हम डिटेल में समझाए हैं, अदरवाइज बहुत छोटा हो सकता था सवाल। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कहता है सवाल? निम्नलिखित ग्राफ में से एक विद्यालय के 5 वर्षों का परीक्षा फल प्रदर्शित किया गया है, इस ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए इस ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर देते हैं। वर्ष 2006 में फेल छात्रों की संख्या क्या होगी, ये पता करना है। 2006 में, 2006 का डिटेल ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 700 छात्रों ने हिस्सा लिया 2006 में, और उसमें फेल हुए और इतने और पास हुए इतने से दिखाया गया है। लगभग आधे फेल हुए आधे पास हुए। आप कैसे पता लगाओगे कि एग्जैक्ट नंबर क्या है? यहाँ 700 का लगभग आधा होता है 350, हमारे पास ऑप्शन में है 350 नहीं है, इसका मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। और आपकी जानकारी के लिए हम ये बता देते हैं कि यहाँ पे ये सवाल जो था कैंसिल हो गया था। ठीक है, 60 नंबर सवाल कैंसिल था, शायद इसीलिए कैंसिल हुआ होगा, कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा था। अगले सवाल पे चलते हैं। ये अगला सवाल क्या कहता है? दर्शाई गई आकृति में कौन सी आकृति अन्य से भिन्न है? हरे का आकृति को देखिए, यहाँ पर जो बीच वाली आकृति है सबसे छोटा वाला जो घेरा है वो अपने पास वाले घेरे से मिलके चल रहा है। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में मिल गया, लेकिन पहले वाले घेरे में ये अपने पास वाले घेरे से बिल्कुल भी नहीं मिला, अलग ही रहा। तो पहला वाला सबसे अलग है, इसलिए पहला वाला ही हमारा उत्तर है। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए 62 नंबर सवाल जो है हमारा, ये रीजनिंग बेस्ड सवाल है बेसिकली। इसमें ये क्या कहता है कि प्रश्नवाचक चिन्ह जो दो दिए हुए हैं को बदलने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही अंकों का चुनाव करें। यहाँ पे हमें सीरीज दी हुई है 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, के बाद 6 नहीं आया, 7, फिर ये गैप है और प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये पूछा गया। तो लगातार नंबर आए हैं 5 तक। उसके बाद क्या हुआ,
पाँच से पहले हर एक नंबर में एक एक प्लस होता चला गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। लेकिन 5 के बाद क्या हो रहा है, 5 + 2 7 हुआ, 2 + हुआ, तो अब की बार फिर हम 2 + करते हैं, तो 7 में 2 + करेंगे तो आएगा 9, और 9 में तो फिर 2 + करेंगे तो बनेगा 11, 11, 9 और 11 वो नंबर होंगे, तो ऑप्शन हमारा बनेगा डी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए 63 नंबर सवाल बहुत ही साधारण सा सवाल है हालांकि, बट आपको थोड़ा परेशान कर सकता है कुछ बच्चों को जो कि मैथमेटिक्स में नए हैं। देखिए कैसे करते हैं, सबसे पहले हम भाग वाले हिस्से को निपटाते हैं, जहाँ भाग होता है कि वो बॉर्ड मास यही कहता है, तो इस हिस्से को हम सबसे पहले निपटाएंगे। 4/8 वैसे ही रखा रहने देते हैं, ठीक है, भाग के निशान को गुणा के निशान में बदल देते हैं, और जो भी यहाँ से आ रहा है इसमें क्या आ रहा है वो 1/2, 1/3 को मिला करके क्या बनेगा यहाँ पर हम बता देते हैं। इसके लिए शॉर्टकट होता है 1/2, 1/3 ऐसे लिखा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि ये बन गया 3, और इससे इसको मल्टीप्लाई किया बन गया 2, और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया 6/6। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 - 2 मतलब 1/6। ये वर्बली होने वाला, मौखिक होने वाला सब कुछ प्रोसेस है, लेकिन हमें समझाना पड़ा। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल में समझना है, यहाँ दिक्कत हुई है, तो वो हमारे वीडियो पर चला जाए, प्लेलिस्ट दी हुई है वहाँ पर, इस तरह के शॉर्टकट की एक वीडियो है उसमें आप देख लेना, भिन्नों के जोड़ घटाने से संबंधित वो वीडियो है, तो उसको आप देख करके इसे बड़ी आसानी से और मुझे मनीष मतलब मौखिक करने लगोगे आप, इतने आसान दिए है ये। ठीक ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। तो इसकी जगह क्या आ गया, पूरे ब्रैकेट की 1/6 है, लेकिन गुणा में बदला है भाग को, तो ये 6 जो है पलट जाएगा, 1/6 पलटेगा तो 6 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा। उसके बाद क्या है, 4/6, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं 4/6 को, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। अब क्या करते हैं, कट कर लेते हैं, जो कटता है 6 से 6 कट गया, 4 से इसको काटा 2 आ गया, 2 से इसको काटा 2 आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, कुछ और है ही नहीं यहाँ पे, तो 2 हमारा उत्तर बन गया है। 2 हमारे कौन से ऑप्शन में अवेलेबल है, 2 हमारे ऑप्शन डी में अवेलेबल है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाता है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए 64 नंबर सवाल, 64 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक कक्षा में 4 विद्यार्थी के प्राप्तांक 720, 60, 63 और 65, 720, 60, 63 और 65 है, इनका औसत प्राप्तांक क्या होगा, इनका औसत प्राप्त अंक का इनमें कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। रीजन ये है कि सब 60 के आसपास के नंबर है, 60, 63, 65, तो औसत भी लगभग यही होना चाहिए, लेकिन पहला वाला जो नंबर दिया है 720 दे दिया, ये मिस प्रिंटिंग है जिसकी वजह से ये सवाल भी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इससे संबंधित औसत का आप एक वीडियो हमारा है वो देख लेना प्ले लिस्ट में जाकर के, उसमें काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी प्रैक्टिस करने के लिए, और एक दो वीडियो हम और बना देंगे स्पेशली यूपी पुलिस के लिए, तो वो आप हमारे चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ये कंफर्म कर लेना कि अगली बार जैसी वीडियो डले आपको फॉरन इंटीमेशन मिल सके, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पे, ये तो कैंसिल हो गया था कंफर्म। ठीक है, अगला 65 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पे 65 नंबर सवाल, 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या निम्नलिखित में क्या होगी जो 4, 8 और 16 से पूर्णतया विभाजित हो। तो देखिए कैसे इसको करते हैं हम, 65 नंबर सवाल को 3 अंकों की हमें संख्या पता करनी है, 3 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, तो 100 के बाद ही वो कोई संख्या हो सकती है, लेकिन वो कौन संख्या संख्या होगी, कौन सी वो संख्या होगी 4, 8 और 16 से कटने वाली पूर्णतया से, तो 4, 8 और 16 से कौन सी संख्या बनेगी जिसके पहाड़े में, जिसके टेबल में 100 के बाद कोई नंबर आए। तो सबसे पहले उस नंबर को हम पता करेंगे जिससे हमें इसको भाग देना है 3 अंकों की संख्या को, तो इसको पता करने के लिए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम अगर इनका निकालें हम, क्या आएगा, 2 * 6 = 8, 2 * 6 = 8, सॉरी 2 * 4 = 8, 2 * 8 = 16, फिर 2 से काटा, फिर 2 * 4 = 8, 2 * 6 = 8, फिर 2 से काटा, 2 * 1 = 2, 2 * 1 = 2, और ये आ गया 2 * 4, फिर आ गया 2 बाहर, 1 * 1 = 1। ठीक है, तो इस ढंग से 2 * 4 * 8 * 16, 16 ही हमारा वो एलसीएम बनेगा 4, 8 और 16 का। ये वैसे भी तय हो जाता है क्योंकि ये तो हमने करके दिखा दिया था, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं आता होगा तो यहाँ सीख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 4, 8, 16 जो हैं ये सब एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ा जो नंबर होता है वही एलसीएम बन जाता है, लघुत्तम समापवर्तक जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये तय करेंगे कि 16 के टेबल में 100 के बाद, तो के बाद कौन कौन से नंबर आते हैं हमारे पास, 101 आएगा, 102 भी आएगा, ऐसे 103 आएगा, 104 आएगा, 105 आएगा, 6 आएगा, उस नंबर पर रुक जाएंगे जो 16 के पहाड़े में आता है, 16 = 112 होता है वो नंबर,
वो चाहिए होगा। 107 नहीं आएगा, 108 भी नहीं आएगा, 109 भी नहीं आएगा, 110 भी इसमें नहीं आएगा 16 के पहाड़े में, 111 भी नहीं आएगा, और 112 पहला ऐसा नंबर है जो 16 के पहाड़े में आएगा। तो यही नंबर हमें चाहिए होता, 3 अंकों का ही सबसे छोटा नंबर है 112, यही हमारा उत्तर बनेगा। और यह उत्तर ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो उत्तर बी हमारा आंसर है। 66 नंबर सवाल, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। 30 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक तक क्या होगा? तो 30 और 42 का लघुत्तम समापवर्तक तक जैसे अभी हमने आपको निकाल के दिखाया था, वैसे ही आपने दोबारा प्रश्न अपनानी है और इसका आंसर आएगा 210। लेकिन यहाँ पे 210 ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब ये सवाल भी कैंसिल हुआ हुआ 100%। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कहता है 0.024 को सबसे छोटी भिन्न में बदल कर कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे 0.024 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक सेकेंड, ये हमारे पास 0.024, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा स्पेस है। 0.024 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसका पॉइंट हम हटाएं तो क्या करेंगे? पॉइंट हटाने के लिए 24 तो ऊपर आ जाएगा, पॉइंट हट चुका, 10 हटा तो नीचे 2 0 लगेंगे, किसके आगे? 1 के आगे, 1 के आगे 2 0, तो 24/100 भी बन गया। अब हम क्या करेंगे, 4 से काट लेते दोनों को, 4 से काटा इसको 6 आ गया, 4 से इसको काटा 25, यानी कि 25/6 अब हमारी वो भिन्न बन गई है। वो कोई ऑप्शन है हमारे पास 25/6 वाला? ये ऑप्शन है, तो आंसर हमारा हो गया सी। अगले सवाल पर चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा? 2 की पावर 50 का 2 गुना पूछा है, कितना होगा? देखो 2 की पावर 1 क्या होती है? 2 होती है। थोड़ा समझा दें आपको इस सवाल को, 2 की पावर 2 क्या होती है? 4। 2 की पावर 3 क्या होती है? 8। 2 की पावर 4 क्या होती है? 16। ऐसे करके टेबल चलता रहता है। अगर हम इस यहाँ पे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यानी कि दुगना हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 1 छुपी हुई है, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 2 की पावर 1 छुपी हुई है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे 2 लिख करके इसको बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि यहाँ 2 की पावर कितनी हो गई इस साइड में, 2 की पावर 1 और 2 3 हो चुकी है, और यहाँ कितना हो गया, 8। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 की पावर 1 बने आ रहा, 2 को हम 2 की पावर 1 भी ले सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 2 की पावर अब कितनी हो गई, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो पावर क्या होता है, समान आधार होने पे जुड़ जाती है। 2 की पावर कितना हो गया, अब जोड़ने के बाद 51, 50 और 1 51, ये इसका दोगुना है। आंसर कौन सा होना चाहिए हमारा? पहला ऑप्शन ए में हमारा आंसर छुपा है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये रहा अगला सवाल हमारी स्क्रीन पे। नीचे दिए गए पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर खर्च को प्रदर्शित किया गया है। इस पाई चार्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके इससे संबंधित प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो एक पाई चार्ट दी हुई है, इसमें कुछ खर्च दिया हुआ है जो कि महीना जो एनुअल जो भी होता होगा। अब देखते हैं सवाल क्या कहता है। यदि भोजन पर 750 रुपये प्रति माह खर्च हो तो बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितने रुपये होगा? भोजन पर खर्च कितना है, 750 रुपये, कहाँ है भोजन, कितना खर्च हो रहा है, यहाँ 40% हो रहा है। तो सपोज टोटल खर्च अगर हमारा है, कुल खर्च अगर हम ये कहें, यहाँ मान लेते हैं कुल खर्च, अभी इसने कौन सी खर्च की बात की, मासिक खर्च की, तो मासिक कह लीजिए कुल मासिक खर्च X रुपये है, ठीक है। अब X का 40% उसने खर्च कर दिया भोजन पे, एक्स का 40%, सॉरी ऐसे लिखेंगे, एक्स का 40% मतलब 40/100 किस पे खर्च कर दिया, भोजन पे। लेकिन कितने रुपए खर्च किए, टोटल 750 रुपये खर्च किए महीने में, तो कितना हो गया इसका आंसर, क्या बनेगा ये? 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे, 4 से ये काट लो आप इसको, 4 3 5 8 32 8 आ गया, 3 0 4 7 28, 2 0 4 5 20, यानी कि 87 रुपये 50 पैसे बनाइए, 10 इधर से चला जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 1875, 1875 रुपये मासिक का उसका टोटल खर्च है, जिसमें 40% उसने भोजन पे खर्च कर दिया है। ठीक है, तो बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितने होगा? अब यहाँ पे शिक्षा में मंथली कितना व्यय किया उसने, 10%, इसका 10%, 1875 का 10% मतलब 10 से इसे भाग कर दो, तो शिक्षा पे मासिक खर्च कितना हो गया, 187 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अब इसको एनुअल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलिए कर देते हैं, 12 से मल्टीप्लाई, 12 5 60 का 0 हासिल लगे 6, 12 7 84 और 6 90 का 0 हासिल लगे 9, 12 8 96,
12 अटे 96 और 9 105 का 5 हंसी लगे 10, 12 एक 12 और 10, 12 एक 12 और 10 122, सॉरी 12, जैसे मैं भी कन्फ्यूज हो गया हूँ, 12 अटे 96 105 हंसी लगे 10, 12 एक 12 10 22, तो 2250 रुपये का खर्च यहाँ पे बना, जो कि ऑप्शन सी में अवेलेबल है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाता है। देखिए ये दिया हुआ है स्क्रीन पे आपका सवाल, 360 रुपये का 30% माइनस 280 रुपये का 10% इज इक्वल टू 800 रुपये का कितने प्रतिशत। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे क्या आना चाहिए वो पता करना है हमें। सपोज हम एक्स रख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे यहाँ पे, ठीक है, सवाल हमने ये उतार लिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हम एक्स रख लेंगे आगे, चलिए आगे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 360 ऐसे ही उतारा, का को हमने गुणा में बदला और 30% जो यहाँ लिखा हुआ है इसको 30/100 में बदल सकते हैं, माइनस की जगह माइनस लगाएंगे, फिर 280 आ गया, इसको ऐसे ही लिखा, का को फिर से गुणा में बदला, 10% को फिर से हमने 10/100 में लिख दिया, इक्वल के बदले इक्वल का निशान लगाया, 800 की जगह 800 लिख दिया, और का की जगह फिर गुणा का निशान लगाया, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमने एक्स लिख दिया, ठीक है जी। लेकिन ये प्रश्नवाचक की जगह प्रतिशत भी था ना, तो एक्स प्रतिशत यहाँ लिखना था, प्रतिशत की जगह 100 लिख देंगे, एक्स बटे 100 हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, कट कर लेते हैं कहाँ का क्या क्या हो रहा है, 1-0 से 1-0 इसका खत्म हो गया, एक इसका खत्म हो गया, तो 100 तो नीचे खत्म हो गया, यहाँ पे देखते हैं ये इसका 1-0 खत्म, ये इसका 1-0 खत्म, यहाँ पे भी 100 खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे 100 इसके 2-0 से इसके 2-0 खत्म, मतलब 100 तो नीचे सब कुछ खत्म हो गया, अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं, सॉरी आगे चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अभी हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 36 या 108 यहाँ पर रह गया, माइनस का निशान लगाया 28 यहाँ पर रह गया, और इक्वल निशान के बाद सिर्फ रह गया क्या 8x, ठीक है जी। 108 माइनस 28 मतलब 80, 80 इज इक्वल टू यहाँ कितना 8x, 8x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, x इज इक्वल टू 8, 8% है वो, सॉरी 8 नहीं, यहाँ आएगा 10, इससे एक्स इज इक्वल टू 10, 10 आ गई एक्स की वैल्यू, तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी में हमारा आंसर छुपा है, तो ये हमारा आंसर बन गया। अगले सवाल पे चलते हैं, देखिए 71वां सवाल आपकी स्क्रीन पे है, नीचे दिए गए अक्षर समूह द्वारा कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, तो AUBEYT दिया हुआ है, इससे हमारा एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा, वो ये होगा हमारा ब्यूटी, ठीक है, इसके अलावा और किसी कोई अर्थपूर्ण नहीं बन रहा है इनमें से, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर बनेगा। अगले सवाल पे चलते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर सवाल, देखिए क्या कहता है, अहमद ने 1440 रुपये का 1440 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तथा 1650 रुपये 4% वार्षिक ब्याज की दर से लिए, पहले 5% पे फिर 4% पे लिया कुछ पैसा, तो 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना ब्याज लौटाना होगा। देखिए पहले इसका निकाल लेते, 1440 रुपये का ब्याज कितना बनेगा 3 साल का, 1440 रुपये का ब्याज की दर क्या है 5%, तो इसे 5/100 लिखेंगे इंटू 3 साल, ठीक है जी, इसमें प्लस कर देंगे 1650 वाले का, 1650 का बनेगा हमारा दर है 4%, 4/100 लिख देंगे इंटू 3 कर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1-0 से 1-0 खत्म हो गया, यहाँ 1-0 से 1-0 खत्म हो गया, अब कितना बचा यहाँ पे, इसको कट कर लेते हैं, 5 से इसको काटा 2 आ गया, अब सिर्फ नीचे 2 रह गया, 2 से इसको काटा 144 को, तो कितना आ गया ये 72 रुपये, ठीक है, और इधर कितना बचा 3 72 दिया 216 रुपये बचा, प्लस आ गया 165 को भी ऐसे ही हमने सॉल्व करने की कोशिश करी, तो ये 2 2 4 2 5 10 5 आ गया, 5 से इसको काटा तो 5 3 15 बचा 1 5, 5 3 15 33 आ गया, 33 × 2 × 3 33 2 66, 66 × 3 76 18 यानी कि 198 198 आ गया, इन दोनों को प्लस किया हमने तो ये आया 414 रुपये हमारा आंसर, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाता है। अगले सवाल चल, सवाल नंबर 73 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, संयुक्त छायाचित्र क्षेत्र किस आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है, ये बताना है हमें, 50 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति जो है हमारे यहाँ पे हैं, उसके बाद 20 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति यहाँ पे हैं, लेकिन क्या है 40 वर्ष से अधिक किंतु 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति हैं यहाँ पे, तो संयुक्त छायाचित्र किस आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है, छायांकित क्षेत्र जो है, ये क्षेत्र जो है काला काला, ये किस आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है, इस उससे कुछ भी पता नहीं लगाया जा सकता, तो इसमें ऑप्शन डी आएगा, हमारा आंसर डी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, सवाल नंबर 74
ये रहा आपकी स्क्रीन पे सवाल, बहुत अच्छा है और हमने इस पे एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी बनाया हुआ है, किसी ने नहीं देखा तो वो देख लें। ठीक है, यहाँ पे 45 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, इसको बदलना है मीटर पर सेकंड में। कैसे बदलते हैं? अगर घंटे में दी हो तो उस स्पीड को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कट कर लीजिए, 9 × 2 = 18, 9 × 5 = 45, 5 × 25 = 2, 25 बटे 2 मतलब 12.5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। ये ए ऑप्शन में है, ये हमारा उत्तर बन गया। अगले सवाल पर चलते हैं। ये रहा 75 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी कितने दिन में करते हैं? 8 आदमी 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। तो ये बात तो तय है कि 8 आदमियों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, का काम 1/10। ठीक है, काम शुरू होने के बाद 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए। 3 दिन तक 8 के 8 आदमी लगे रहे हैं काम पे, तो 3 दिन में उन्होंने कितना काम कर लिया? 3 दिन का काम 1/10 1 दिन का था, 3 दिन का 3/10 हो जाएगा। ठीक है, अब बचा काम कितना होगा? बचा काम हमारे पास है 3/10 तो हो चुका, बचा 7/10, 7/10 बचेगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो थोड़ा सा समझ लेना, क्योंकि हमारा दूसरा वीडियो दिया हुआ है इससे संबंधित, उस पर से आपको क्लियर हो जाएगा कि 7/10 कैसे आ गया। बचा हुआ काम बचा 7/10। ठीक है, अगर 8 के 8 ही काम पर लगे होते तो क्या होता? 8 के 8 आदमी अगर यहाँ लगे होते तब काम किया कितने दिन में होता? सिर्फ 7 ही दिन में हो जाता ना, 10 दिन में पूरा काम कर रहे, 3 दिन काम कर चुके थे, लेकिन क्या हुआ कि 4 आदमी छोड़ के चले गए, मतलब काम आदमी आधे रह गए। तो जब आदमी आधे रह गए, 8 आदमी 7 दिन में कर लेते आराम से, लेकिन अब आदमी आधे रह गए हैं, तो टाइम कितना लग जाएगा? 7 के बदले 2 गुना, 7 × 14 दिन में वो काम खत्म करेंगे। ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन बी में हमारा आंसर है, आंसर बी बनेगा। ठीक है, थैंक यू। अगले, ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन कितना है? 21 किलोग्राम। ठीक है, तो कुल वजन निकाल सकते हैं हम यहाँ से, 20 छात्र हैं, 21 किलोग्राम का औसत वजन है, तो कुल वजन का एडिशन कितना होगा? योग, सबके वजन का योग, 21 × 42 यानी कि 420 किलोग्राम। ठीक है, निकल सकता है। यदि उनमें एक अध्यापक भी आप सम्मिलित कर लिया गया तो आप कितने लोग हो गए? अब हो गए 21 लोग। ठीक है, आप क्या हो गया? तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, पहले 21 किलोग्राम औसत वजन था, अब कितना हो गया? 22 किलो हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 22 × 21, ये हो गया 466 kg। ठीक है, अब कैसे पता करना है कि अध्यापक का वजन कितना होगा? जो बड़ा हुआ वजन है वो सबका सब अध्यापक का है, तो इन दोनों को आपस में माइनस कर लो, यहाँ से 420 अगर हम माइनस कर लें कितना बच जाएगा? 46 kg, 46 kg उस अध्यापक का वजन है। देखिए 46 kg हमारे कौन से ऑप्शन में है? ये हमारे ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पे आंसर नहीं है क्या इसका? सॉरी, ये 462 होगा, 462 ये होगा, तो ये सिर्फ 42 kg बनेगा। तो 42 kg हमारा ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हमारा आंसर बन गया है। सवाल नंबर 77 रहा आपकी स्क्रीन पे। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में कौन सा अंक इकाई स्थान पर हो सकता है? ठीक है, आप वैसे भी अगर किसी संख्या का घन करेंगे तो क्या देखते हैं, अगर संख्या की इकाई स्थान पे 1 है, इसका घन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा? 1 इकाई स्थान पे। 2 है तो क्या आएगा इकाई स्थान पे? 2 का होता है 8। 3 आएगा, 3 होगा तो क्या आएगा? 27, 7 आ जाएगा 3 के केस में। 4 होगा अगर इकाई स्थान पे, तो इकाई स्थान में घन के केस में क्या आएगा? 4 ही आएगा। अगर 5 होगा तो 5 का हमेशा 5 ही आता है। 6 होगा तो 6 का क्यूब के हिसाब से 16, 6 आता है। 7 का 7 होगा तो 7 के हिसाब से 3 आता है। 8 होगा तो 8 के हिसाब से 2 आता है। 9 होगा तो 9 के क्यूब में हमेशा 9 आता है, सॉरी, हाँ ठीक है, 9 आता है 9 के केस में। ठीक, तो ऐसे करके हम देखेंगे तो यहाँ से अगर 0 होगा तो सपोज 10 है, जैसे 10 का स्क्वायर करेंगे या 20 है, कुछ भी है, 10 का क्यूब हम करें, 20 का करें, चाहे जो करें, तो हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या आता है? 0। तो 0 से लेकर 9 तक के सारे नंबर यहाँ आएंगे, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा? सी, आंसर सी हमारा उत्तर बनेगा।
सवाल नंबर 77 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे संबंधित हमारा एक वीडियो यूट्यूब पे है, प्लेलिस्ट में जाकर के उस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना तो 100% ये सवाल आपका पक्का हो जाएगा, इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे ताकि परिवार पर खर्च ना बढ़े। देखिए ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम जितना प्रतिशत बढ़ा है उसको ऊपर लिख देते हैं, 40% बढ़ा है, नीचे क्या करते हैं 100 में इसको 40 को प्लस कर देंगे तो 140 हो गया, इंटू 100 करेंगे, अब आंसर आ जाएगा। अदरवाइज इसको हम बहुत देर तक करते रहेंगे और आंसर नहीं आएगा, ये बहुत मुश्किल सवाल होता है, बगैर ट्रिक के करना आ जाता है लेकिन टाइम बहुत लेता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, 40 यहाँ ऊपर ऐसा ही रहेगा, नीचे कितना हो गया 140 हो गया और यहाँ पे हो गया हमारा 100, इसको हल कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 यहाँ खत्म हो गया, 4 से 2 से काटा, 2 7 14 7 आ गया, अब ये 200 हो गया ऊपर, नीचे कितना हो गया 7, 200/7 का मतलब हो गया 28, सही 4/7, ये हमारा उत्तर बनेगा। अगले सवाल देखिए बहुत आसान सा सवाल है, राम और श्याम किसी काम को मिलकर, ये है राम और श्याम मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं, 8 दिन में कर लेते हैं, तो इन दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 1/8। ठीक है, 1/1 दिन का काम निकालना ज़रूरी है, इसके बगैर ये सवाल नहीं हुआ करते, परंतु राम अकेले उस काम को 14 दिन में कर लेता है, राम कितने दिन में कर लेता है 14 दिन में कर लेता है, तो राम का एक दिन का काम कहाँ निकालेंगे कितना हो जाएगा 1/14। ठीक है, अब क्या पता करना है, श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा, तो श्याम का काम निकालना है कि अकेले वो कितने दिन में कर लेगा, तो एक दिन के इसका काम में दोनों के एक दिन का काम कितना है 1/8, इसमें से अगर हम राम का एक दिन का काम घटा दें 1/14 तो हमें श्याम का एक दिन का काम मिल जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, 1/(s=1/8 − 1/14। ठीक है जी, तो एक दिन का काम जब हमें मिल जाएगा तब हम उसे पूरा दिन का वो निकाल सकते हैं कि कितने दिन वो खत्म कर लेगा काम, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 14 − 8 मतलब 6 बचेगा, 6/14 = 14 7 8 14 112, 112। ठीक है, 6/112 बचा, इसको आप पलट देंगे क्योंकि ये एक दिन का है, 1/s है, तो पूरा काम करने में कितना टाइम लेगा, ये लेगा 112/6, 112/6 का मतलब हो गया 18, सही 2/3, इसको हल करेंगे तो 18 सही 2/3 आएगा, तो ये ऑप्शन सी बना हमारा, ये सी आंसर बनेगा। अगले ये रहा अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पे, राम और मोहन की आय में 8/3 का अनुपात है, यदि उनकी आयु में 1000 रुपये का अंतर है तो राम की आय कितनी होगी, ये पता करना है, दोनों की आय के अनुपात का अंतर है 5 और अंतर का मूल्य कितना है, जब इनका हम वैसे देखते हैं वास्तविक अंतर कितना है तो 1000 रुपये, अंतर का मूल्य कितना है 1000 रुपये। अब क्या है, राम की कीमत हमें पता है, तो सॉरी राम की आय कितनी है, राम की कीमत हमें पता करनी है, कैसा पता करेंगे, राम की कीमत पता करनी है, अनुपात के सवालों में क्या करते हैं हम, जो जो यहाँ पे आ गया इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर 5x लिख लेते हमारा काम खत्म हो जाएगा, भाग का अंतर है 5, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है अनुपात का 8 और 3 का, ये 5 है, इसको हम 5x लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5x बराबर कितना है 1000 रुपये, 5x = 1000 रुपये, तो x की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं, तो x = 200 रुपये। ठीक है, अब राम की कीमत कितनी है 8 यहाँ पे, तो श्याम की कितनी है 3, सॉरी मोहन की, राम और मोहन है ना, तो राम की कीमत कितनी 8x राम की कीमत है, x की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो 8 × 200 यानी कि 1600 रुपये उसकी इनकम है, उसकी आय है 1600 रुपये हमारे पास, कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाता है। तो ऐसे करके हमने विस्तृत रूप से आपको हर एक सवाल समझाने की कोशिश की है, फिर भी हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके अभी समझ में ना आए, वो तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन रख कर बैठे हर एक टॉपिक पर नोट्स बनाएं, वीडियो पॉज करें और कोई फिर भी कोई दिक्कत हो तो दूसरी बार में नहीं तो तीसरी बार में 100% को समझ में आ जाएगा, ऐसा हमें विश्वास है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे जल्दी, थैंक यू वेरी मच।